तो अब चलते हैं पंडित जी के पास और जारी रखते हैं हमारा ज्योतिष विज्ञान और जानते हैं आज का राशिफल। चर्चा करेंगे कुछ देश के बारे में, चर्चा करेंगे आने वाले इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। अब चलते हैं पंडित जी के पास। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भारत वर्ष के 66वें स्वतंत्रता दिवस समापन पर और 67वें वर्ष में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो कि आज 67वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। एक बात आपको थोड़ी सी याद दिला देता हूँ, जिस समय भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो हमने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता का मुहूर्त चुना था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और श्री सूर्य नारायण व्यास, जिनको भारतवर्ष का मॉडर्न आर्यभट्ट कहा जाता है, उनकी सलाह से भारतवर्ष को 14 अगस्त नहीं 15 अगस्त रात्रि 12 बजे पुष्य नक्षत्र के अंदर आज़ादी का बिगुल बजाने के लिए उन्होंने नेहरू जी को बोला था। बहुत सारे ज्योतिषियों की मंत्रणा के पश्चात ये भारतवर्ष का नक्षत्र चुना गया, जिसमें वृषभ लगन और कर्क राशि यानी कि तृतीय भाव के अंदर ग्रहों का जमघट लगा हुआ था। मंगल द्वितीय भाव में था मिथुन राशि के अंदर और गुरु महाराज थे आपके षष्ठम भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, और बाकी सभी ग्रह जो थे चंद्र सूर्य शनि शुक्र बुध, ये सभी ग्रह कर्क राशि के अंदर विराजमान थे, यानी कि भारत के पराक्रम भाव के अंदर। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो बच्चा 1947 को पैदा हुआ, भारतवर्ष का उदय हुआ, उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी मानी गई कि पुष्य नक्षत्र जो है ये नक्षत्रों का राजा माना जाता है और भारत अखंड रहेगा, भारत टूटेगा नहीं।